सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं सुमित भारती आप लोग का स्वागत करता हूँ फिर से एक न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, आप लोगों को गाइस विंजो वर्ल्ड वॉर का एक बेस्ट ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा। विंजो वर्ल्ड वॉर में आप लोग गाइस बिग बिग अमाउंट का गेम्स में आप लोग कंटिन्यू विन कर सकते हो। बस आप लोग को गाइस वीडियो को फुल वॉच करना है और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर देना गाइस। उससे आप लोग गाइस पूरा ट्रिक को समझ में आ जाएगा वीडियो को फुल वॉच करने में से। और आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाला है पूरा 200 रुपीज़ का गिवे जो कि आप लोग को मिलेगा टेलीग्राम ज्वाइन करने पर। ये रहा मेरे टेलीग्राम का चैनल, जल्दी जाकर ज्वाइन, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एक बेस्ट कमेंट भी कर देना गाइस, कमेंट्स को गिवे मिलता है। देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक गेम में एंटर किया है जो कि 500 रुपीज़ का गेम है गाइस। और इसमें गाइस देख सकते हो मेरे टोटल प्लेयर अभी के टाइम में कम है और मैंने यहाँ पर रिस्क लिया है गाइस। और देख सकते हो यहाँ पर अभी के टाइम में मेरे टोटल प्लेयर कितना हो चुका है और ये वाला गेम गाइस मैंने विन कर लिया है। और यहाँ पर देख सकते हो कम अमाउंट का गेम जब भी आप लोग खेलोगे तो सबसे पहले आप लोगों को गाइस ये देखना है कि कौन सा कार्ड सेव है, कौन सा कार्ड रिस्क है। नहीं तो आप लोग गाइस अगर इसमें कन्फ्यूज हो जाते हो तो आप लोगों को मैं बता दूँ, जिसका भी टोटल प्लेयर ज़्यादा होता है उस वो वाला कार्ड होता है सेव कार्ड और जिसका भी कम होता है वो होता है गाइज रिक्स कार्ड। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी के टाइम में मेरा कार्ड हो चुका है यहाँ पर सेव और वो वाला कार्ड है रिक्स, मतलब कोहली यहाँ पर सेव है और धोनी है रिक्स। और यहाँ पर देख सकते हो गाइज कम अमाउंट बिग अमाउंट के गेम में आप लोग को क्या करना है, ज़्यादातर ट्राई करना है सेव खेलने का, क्योंकि गाइज अगर आप लोग का लॉस हो जाएगा रिक्स लेने पर क्या होता है गाइज, रिक्स लेने पर लॉस करने के चांस भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसलिए आप लोग को क्या करना है गाइज, रिक्स बहुत कम ही बार लेना है, ज़्यादातर आप लोग को 90% आप लोगों को क्या करना है गाइस सेव खेलना है, नहीं तो आप लोगों को बहुत गंदा लॉस भी हो सकता है। और आप लोगों को कब रिक्स लेना है वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप लोगों को वीडियो को फुल वॉच करना है और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और यहां पर अभी आप लोग देख सकते हो 300 रुपये का गेम है और यहाँ पर मैं एंटर कर चुका हूँ गाइज। और यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो एक टोटल प्ले का डिफरेंस था यहाँ पर। और मैंने यहाँ पर क्या किया गाइज, 300 रुपये का गेम था और मैंने यहाँ पर गाइज अभी के टाइम में रिक्स कार्ड को कर लिया था सिलेक्ट, सेव कार्ड को सिलेक्ट किया था, सॉरी गाइज। यहाँ पर देख सकते हो अभी के टाइम में मेरा यहाँ पर टोटल प्ले हो चुका है, एक ज़्यादा है मेरा। यहाँ पर मैंने गेम को कर लिया विन, निकल मेरा यहाँ पर देख सकते हो गाइज मुझे कितना पैसा मिला है, 150 रुपये। ये वाला गेम था 300 रुपये का, पर यहाँ पर गाइज उसका वो वाला कार्ड विन हुआ है क्योंकि यहाँ पर मेरा लॉस हुआ है पर फिर भी मुझे पैसा मिला है, क्योंकि बिग अमाउंट के गेम में ऐसा ही होता है ज़्यादातर कि आप लोग को गाइज का 50% पैसा मिल जाएगा जितना आप लोग खेल रहे हो गाइस। 300 रुपये का गेम खेला था मैंने तो 150 रुपये से मुझे मिल गया है। तो ये वाला गेम में मेरा कैसे भी करके गाइस मुझे कुछ पैसा मिल गया है, फिर भी मेरा यहाँ पर लॉस हुआ है। तो देख सकते हो यहाँ पर नेक्स्ट गेम में जैसे मैंने खेला है जिस दोनों तरफ टोटल प्लेयर एकदम सेम था, तो जो कार्ड में गाइस विन कर रहा था, जो कार्ड विन कर रहा था जिसमें ज़्यादा पैसा था उसी को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया। यहाँ पर देख सकते हो 250 रुपये मुझे मिल चुका है, मतलब यहाँ पर भी गाइस मेरा लॉस हो चुका है। 500 रुपीज़ का गेम था ये वाला और यहाँ पर भी मुझे 250 रुपये मिला है, मतलब ये वाला गेम भी लगभग मेरा लॉस में गया है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइज। और ये वाला गेम था गाइज 500 रुपीज़ का और 2048 बॉल्स का गेम था। और मैंने यहाँ पर गाइज ये वाला गेम भी मेरा लॉस हो चुका है। अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आप लोगों को सही तरीका से विन कैसे करना है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर गाइज बहुत ही ज़्यादा का डिफरेंस था, ये वाला गेम शायद 100 रुपये का है। 100 रुपये का गेम में गाइज थोड़ा फिर भी आप लोग रिस्क ले सकते हो कभी कभार, क्योंकि 100 रुपये का गेम है और इसमें बहुत सारे लोग रिस्क लेते हैं। जो वाले गेम में ज़्यादातर लोग रिस्क लेते हैं वही वाला गेम ज़्यादातर रिस्क लेकर विन होगा गाइज। तो देख सकते हो ये वाला गेम में मुझे 90 रुपए मिला है, 96-98, क्योंकि ये वाला टोटल प्लेयर बहुत ज़्यादा का डिफेंस है इसलिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट गेम में मैंने जैसे ही खेला है गाइज इसमें भी बहुत ज़्यादा का डिफेंस, इसमें भी मुझे 90 रुपये मिला है, मतलब 10 रुपये कम ही मिला है। और आप लोग देख सकते हो 100 और काफ़ी सारे गेम्स है, इसमें भी रिजल्ट आ चुका है मेरा 90 रुपये। और इसमें मैं आप लोग को दिखा दूँ गाइज जब भी ऐसे कार्ड आप लोग को कैसे सेलेक्ट करना है जब आप लोगों का गाइज टोटल प्लेयर में डिफेंस काफ़ी ज़्यादा का रहता है। जैसे कि गाइज आप लोगों को टोटल प्लेयर में मान लीजिए बहुत ज़्यादा का डिफेंस है, किसी तरफ 10 का टोटल प्लेयर है, किसी तरफ 100 का टोटल प्लेयर है, ऐसे कई बार हो जाता है, मतलब फिक्स ऐसा ही नहीं है, किसी तरफ 80 का टोटल प्लेयर, किसी तरफ 300 का टोटल प्लेयर है, सेम ऐसा ही सिचुएशन आ जाता है कि बहुत ज़्यादा का डिफेंस हो जाता है, तब आप लोग को गाइज सेव कार्ड को सिलेक्ट करना ही है। देख सकते हो यहाँ पर गाइज, यहाँ पर देख सकते हो गाइज यहाँ पर आप लोग मैं ये शुरू होता है, देख सकते हो यहाँ पर गाइज बहुत ही कम का डिफेंस था, यहाँ पर बहुत ही कम का डिफेंस था, 10 टोटल प्लेयर का डिफेंस था, दोनों तरफ गाइज 30-40 का टोटल प्लेयर था। तो ऐसे टाइम में अगर 30-40-50 टोटल प्लेयर रहे दोनों तरफ गाइज अगर, तो आप लोग गाइज 10-15 के टोटल प्लेयर के डिफरेंस में आप लोग रिक्स ले सकते हो। और मैंने यहाँ पर रिक्स लिया था और रिक्स लेकर देख सकते हो 285 रुपये मिल चुका है। 100 रुपये का गेम था गाइज, 100 रुपये के गेम में मुझे 3 गुना के लगभग पैसा मिला है। और आप लोग को भी गाइज हमेशा ऐसा ही प्रॉफिट होगा, बस आप लोग को पहले ट्रिक को समझना है और जहाँ पर आप लोग को रिक्स लेना चाहिए वहीं पर आप लोग को रिक्स लेना है, जहाँ पर आप लोग को सेव खेलना चाहिए वहीं पर आप लोग को सेव खेलना है। और यहाँ पर देख सकते हो गाइज 100 रुपये का गेम है, 100 रुपये का गेम है और एक 100 रुपये का ही गेम है। तो यहाँ पर एक गेम में मैं एंटर करने वाला हूँ
और फिर से आप लोगों को मैं दिखाऊंगा खेल कर, और मैं आप लोगों को ट्रिक भी बता दूंगा। तो जब आप लोग को रिस्क कब लेना चाहिए, जब आप लोग गाइस जैसे कार्ड को सिलेक्ट करने जाते हो, कोई फिक्स टोटल प्लेयर रहता नहीं है, क्योंकि कई कई बार ज़्यादा टोटल ज़्यादा लोग खेलते हैं एक गेम में, कई बार कम लोग खेलते हैं, तो आप लोग देख के ही समझ जाओगे। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर गाइस, मैंने देख के ही समझ लिया कि यहाँ पर गाइस मेरा गेम विन हो सकता है। और ये वाला गेम देख सकते हो गाइस मैंने विन भी किया है, 94 रुपीज़ मुझे मिल रहा है, 194 रुपीज़ लास्ट में मेरा लॉस हो गया, क्योंकि गाइस यहाँ पर एक टोटल प्लेयर का डिफेंस था और दोनों तरफ बहुत कम कम का गाइस टोटल पैर था। जैसे कि मतलब दोनों तरफ में 20 से भी ज़्यादा नहीं थे, एक में 20 से सिर्फ ज़्यादा था। तो आप लोग को सेव कब खेलना चाहिए, सेव आप लोग को तब खेलना चाहिए जब गाइस टोटल प्लेयर में डिफेंस काफ़ी कम का काफ़ी ज़्यादा का हो। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर गाइस मैंने रिस्क लिया है, और ये वाला 100 रुपये का गेम है, और 100 रुपये के गेम में गाइस आप लोग रिस्क ले सकते हो, क्योंकि 100 रुपये का गेम गाइस बहुत अच्छा चलता है। जैसे कि यहाँ पर मेरा विन हो चुका है 180 रुपीज़। 100 रुपये के गेम में आप लोग गाइस रिस्क ले सकते हो कभी कभार बहुत कम के डिफेंस में, जैसे मैंने लिया था। और बाकी अमाउंट के गेम में आप लोग गाइस रिस्क तभी लेना जब आप लोग का गाइस रिक्स कार्ड विन कर रहा है और डिफेंस काफ़ी कम का हो, तभी आप लोगों को गाइस रिक्स ले सकते हो। और 100 रुपये के गेम का बात आए तो 100 रुपये के गेम में गाइस आप लोगों को रिक्स कब लेना चाहिए, जब डिफेंस काफ़ी कम का हो गाइस तब भी आप लोग रिक्स ले सकते हो, तब गाइस विनिंग मैटर नहीं करता है। और अगर मैक्सिमम डिफेंस हो तब भी आप लोग रिक्स ले सकते हो, निकल अगर तो उस टाइम गाइस विन कर रहा है गाइस उस कार्ड में आप लोग को शो हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ पर गाइस देख सकते हो मैं गेम में मैंने एंटर कर लिया है, और यहाँ पर देख सकते हो इसमें गाइस अभी के टाइम में कोहली विन कर रहा है, शो हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया बहुत ज़्यादा का डिफेंस था, इसलिए मैंने यहाँ पर कोहली को सिलेक्ट किया है। अगर गाइस एक मैक्सिमम डिफरेंस होता, मतलब जब बहुत ज़्यादा का भी नहीं बहुत कम का भी नहीं, और अगर कोहली विन करता तो मैं कोहली को ही गाइस सिलेक्ट करता, क्योंकि उसमें मैक्सिमम डिफरेंस था। और अगर रिक्स कार्ड विन करा था तो मैं रिक्स कार्ड को सिलेक्ट करता। तो गाइस ट्रिक को मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया है, तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये रहा मेरे टेलीग्राम का चैनल, यहाँ पर आप लोग अगर ज्वाइन होते हो तो आप लोग को गिवे के बारे में पूरा गाइस नॉलेज हो जाएगा, और आप लोग को गिवे कैसे मिलेगा वो भी यहाँ पर आप लोग पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जल्दी से अगर ज्वाइन हो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एक बेस्ट कमेंट करो, कमेंट्स को गिवे मिलता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके 10 बंदों को गिवे मिलता है, 10 कमेंट्स को गिवे मिलता है। अगर आप लोगों को कमेंट सेलेक्ट हो जाता है तो आप लोगों को गिवे मिलता है गाइस, तो जल्दी से कमेंट कर दो और टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।